Hi guys, good morning everyone. Good morning Rohan, good morning Harsh, good morning Saket. Hi Hirdaya, kya keh rahe ho tum? Are we going to discuss doubts of the homework that was given in the last lecture? That is the reason why I have shared the video explanations. Have you gone through those video explanations, Hirdaya? Hi, good morning Ishan, hi Diya, hi Shravya. हाँ तो तुम मतलब मैं आके तुम्हें मतलब पंडित जी से मुहूर्त निकलवाऊं दैट ये वीडियो एक्सप्लेनेशन है सर, आपका आज अपॉइंटमेंट है तो आप आज देख लीजिएगा, कैलेंडर बुक करूं आपका, वो इसलिए तो बनाया ताकि यू गाइज हैव अ हेल्पिंग हैंड. ठीक है. All right, so I think meanwhile the students are joining in. एक बार कोई recap कर लेते हैं हम लोगों ने क्या करा था. It's been almost a week since we have connected. Now in this chapter atomic structure. अच्छा आप लोगों का मूल कंसेप्ट का टेस्ट हो गया ना, मतलब पार्शियली कुछ लोगों का हुआ होगा, या आप लोगों के बैच में जो लोग सेवेंथ को ज्वाइन किए थे आई थिंक उनका हो गया होगा. हाँ दीप, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली रिजल्ट कब आएगा, बट ठीक है. आई होप द टेस्ट वाज गुड, आप लोगों का अच्छा टेस्ट गया. डू एनालाइज योर टेस्ट रिजल्ट्स. ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है आपका टेस्ट देने का प्रोग्राम, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यू नो डेवलप द स्किल ऑफ एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स. ठीक है, मैं एक ब्रॉड आपको अगर पर्सपेक्टिव दूं, ठीक है, आई विल जस्ट टेक क्विक 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम टू टॉक अबाउट टेस्ट एनालिसिस, हाउ यू शुड प्रोसीड विद analysis of each test that you are giving irrespective of the subject, irrespective of the topic it is. Okay, so you go at a summary level first. Okay, pehle to ek summary level understanding develop karna, that total questions kitne the, theek hai, usme se aapne kitne attempt kare aur kitne chhod diye. ठीक है, पहले ये एक आइडिया लेना. आई होप आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज इफ यू डू दैट देन आइदर यू आर ब्रिलियंट और यू आर लाइक लिविंग इन सम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सम ओवर कॉन्फिडेंस. नाउ जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उनके अंदर भी देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन, देयर विल बी क्वेश्चंस दैट वुड बी समथिंग दैट आर करेक्ट एंड समथिंग that would have gone wrong. ठीक है, so पहले ये high level of understanding develop कर लेना, that out of the total questions that were there, what is this broad distribution? ठीक है, now focus on the unattempted and the incorrect questions. ठीक है, now जो questions आपने attempt नहीं करे हैं, try to now get into details of them. ठीक है, summary बनाने के बाद में, so you try to get into the details of why the question was unattempted. ठीक है, you have to highlight the reason of why any question that you were not able to attempt, right? Was it time related? ठीक है, primarily 2-3 reasons रहते हैं जिनमें I would want you to categorize or you know put into these buckets the reasons. Was it time management, right? That matlab time hi nahi mila, chhoot hi gaya question. Typically aisa nahi hota hai kyunki paper is tarike se design nahi kara jata hai ki aapka question chhoot jaye. Maybe it must be because of a reason that aap kisi ek question mein zyada time spend kar gaye ya kisi ek subject mein zyada time spend kar gaye, maths mein 1.5 ghanta laga diya, mauka hi nahi mila chemistry pe aane ka, or something of that nature. तो फर्स्ट आइडेंटिफाई की इसकी वजह से कहीं तो रहेगी नहीं क्या क्वेश्चन, राइट? और द अदर रीजन कुड बी दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड,
ठीक है, डिडंट नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, या तो वो पढ़ाया गया था एंड आपने रिवीजन नहीं करा, आप पढ़ के नहीं गए, या फिर हो सकता है वो पढ़ाया नहीं गया हो। ठीक है, ऐसा भी होगा कई बार, समटाइम्स देयर कैन बी सम क्वेश्चंस दैट कैन कम। ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि भैया टॉपर्स को डिफरेंशिएट करना है, तो कई बार कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। अभी तो खैर आपका जस्ट टेस्टिंग स्टार्ट हुआ है, सो यू विल नॉट बी एक्सपोज टू दिस, बट देयर विल कम सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू हेल्प डिफरेंशिएट रैंक्स अमंग टॉपर्स। और देयर कैन बी अनदर रीजन दैट कॉन्सेप्ट आता था, पढ़ा हुआ था, ठीक है, बट आंसर डिडंट मैच, मतलब समहाउ, मतलब देयर वॉज दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि आंसर होगा कि नहीं होगा, एंड नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ दिया। ठीक है, टिपिकली इन तीन कैटेगरीज में यू शुड बी एबल टू क्लासिफाई योर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, देन जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप कैटेगराइज करना। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाई वर दे इनकरेक्ट, राइट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई अ क्वेश्चन गॉट इनकरेक्ट वाज अ सिली मिस्टेक और अ केयरलेस मिस्टेक। ठीक है, कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा एंड उसमें कौन सा कोई प्रॉब्लम था जिसको मैंने मार्क कर दिया और आंसर फिर बाद में पता पड़ा कि ये केयरलेस मिस्टेक हो गया उसमें। ठीक है, अनदर कॉमन यू नो रीजन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज यू नो दिस आई शुड से राउंडिंग ऑफ, और मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब आता है कॉन्सेप्ट, आता है, सॉल्व भी करा मैंने, बट मेरा आंसर मैच नहीं करा। ठीक है, एंड मैंने क्लोजेस्ट ऑप्शन मार्क कर दिया बस। ठीक है, सॉल्व एंड मार्क्ड, मेरा आंसर मैच नहीं करा ऑप्शन से, बट अभी कैसा हो गया, मैंने टाइम लगा दिया क्वेश्चन में। ठीक है, मेरी मेहनत लगी है तो मैं अनअटेम्प्टेड तो नहीं छोड़ूंगा। कुछ समझदार होते हैं कि आंसर मैच नहीं करा तो ठीक है यार, लेट मी नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, हो सकता है कि मेरा आंसर मैच नहीं करा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। और कुछ होते हैं कि भैया मतलब 5 मिनट लगाए हैं इस क्वेश्चन पे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मेरी मेहनत गई है, मार्क तो करूँगा, क्लोजेस्ट ऑप्शन जो भी मिलेगा वही मार्क करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। सो इस वजह से भी कई बार गलत आंसर आ जाते हैं। एंड देन वन ऑफ द पॉपुलर रीजन्स कि आज तो माता रानी की कृपा है, आज भगवान प्रसन्न है मुझसे, आज तो मुझे फील आ रही है कि ये आंसर सही होंगे, तो फ्लूक मारना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो उस वजह से भी इनकरेक्ट आंसर्स आते हैं। राइट, प्राइमरीली आई वुड से दैट दीज आर द कैटेगरीज जिनमें आपके आंसर्स गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, सो आफ्टर डूइंग दिस एनालिसिस, ठीक है, एक समरी लेवल एनालिसिस एंड देन अ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस, यू वुड बी एबल टू सी व्हाट हैपेंड इन द पेपर एग्जैक्टली। ठीक है, नाउ पोस्ट दिस यू विल हैव टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस विद टीचर्स। अभी ऑनलाइन में तो क्या ये चीजें हो नहीं पाएंगी, बट आगे लेट्स से व्हेन वी गेट अपॉर्चुनिटीज, तो इसमें क्या होता है, देन यू गेट टू डिस्कस दीज यू नो प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव ओवर देम। ठीक है, तो ये पूरा व्हाट वाला पार्ट हो जाता है एनालिसिस का, दैट व्हाट इज द एनालिसिस, नाउ हाउ टू इम्प्रूव ऑन देम, व्हाट आर द वेज ऑफ वर्किंग ऑन देम, वो धीरे धीरे अब आपके सामने आता जाता है। सो ये ठीक है, वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, दिस बिकम्स लाइक अ स्किल टू अक्वायर, एंड विद ईच एंड एवरी
test and analysis that you do, you become better at the skill of analyzing your mistakes and improving. So make sure that this becomes a habit going forward. Okay. Now, let me come back to our discussion of atomic structure chapter. So last class में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, नहीं ये तो last to last class हो गया. Last class में हम लोगों ने I think de Broglie wavelength तक कर लिया था. ठीक है, and based on that हम लोगों ने काफी सारे numericals भी करे थे and मैंने आपको homework में काफी सारे questions भी दिए थे. Now I hope that the time given to you of an entire week was sufficient for you to be able to attempt the homework and look at the solutions also to identify kahan par kya gadbad hui. Theek hai, now today I am going to cover the next topic and in similar manner how we did in the last week, aaj and kal mein I'll try to cover a substantial portion of this chapter and then give you homework for the rest of the week. Theek hai, acha. कुछ कुछ डाउट्स आप लोग मुझे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? राज पूछ रहा है जेई में यूजुअली कितने क्वेश्चंस छूटते हैं. मतलब डिपेंड करता है राज, मतलब एडवांस्ड के बारे में बात कर रहे हो, मेंस के बारे में बात कर रहे हो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, कैसा है. मेंस में जनरली मतलब बच्चों का स्कोरिंग परसेंटेज अच्छा ही रहता है, मतलब I would say 70-80% attempt is a good attempt. Time की वजह से नहीं छूटता, मतलब ये CET का exam होगा उसमें time की वजह से छूट जाते हैं, ठीक है. But mains का and advance के exam में मतलब by the end of 2 years जब students practice कर लेते हैं तो time की वजह से बच्चों के questions नहीं छूटते हैं, बहुत कम chance है कि time की वजह से छूटे. Time की वजह से जब ही छूटेंगे जब वो मतलब एक ही question में घुस गए, उसमें 10-15 मिनट लगा दिए, तो मतलब टाइम की वजह से तो कभी क्वेश्चन छूटने ही नहीं चाहिए आपके. ऐसा होता है कि हाँ मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो यू शुड डेवलप दिस स्किल सेट टू लुक एट द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई कि भैया इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना, आई डोंट हैव टू स्पेंड टाइम इन दिस, मुझे नहीं आता है. तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी 4 नंबर का, ईजी क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, तो आई शुड पुट माई कॉमन सेंस अप फ्रंट एंड मेक श्योर दैट ईजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन आर गेटिंग आंसर्ड फर्स्ट. डिफिकल्ट वाले मुझे नहीं आ रहे, बाकियों को भी नहीं आ रहे होंगे. So that way paper chhootna nahi chahiye, you should be able to attempt or look through all the questions and then finally what I have seen is that matlab acha attempt say 70% ke around rehta hai, that itna questions attempt kara hai based on the knowledge, baki 30% aisa hota hai ki difficult reh jata hai. Theek hai, this is something which I am talking about a good decent performance. Of course toppers ka alag kahani rehti hai, toppers to toppers hi hote hain. ठीक है, हाँ हाँ अभी आप लोगों को डिटेल्स मिलती जाएंगे धीरे धीरे, पेपर फॉर्मेट क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये सब तो बहुत कॉमन चीज है होगा. दीज आर समथिंग व्हिच यू विल गेट टू नो विद टाइम, डोंट वरी. इनफैक्ट इफ यू हैव दिस क्यूरियोसिटी तो आप एक बार गूगल ही कर लो ना, आपको गूगल पे मिल जाएगा ये सब, इट इज प्रीटी इजी टू लुक थ्रू. ठीक है, हाँ गौतम क्या कह रहे हो, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है? अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन क्लब टुगेदर, दिस इज व्हाट एन अल्फा पार्टिकल इज, दैट्स इट. ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट मी बिगिन टुडेज डिस्कशन. हम लोग करेंगे ये सब बातों के ऊपर और डिस्कशन करेंगे बाद में. ठीक है, आई एम श्योर दैट यू हैव ऑल दीज जनरल क्वेश्चंस, धीरे धीरे ये सब क्लियर होते जाएंगे. जेई का एग्जाम 2 बार होता है, डिसेंट रैंक डिपेंड करता है ना कि आपको क्या चाहिए, आपका एम रैंक 1 होना चाहिए. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. Heisenberg's uncertainty principle.
So this is something which is an important discovery that happened, after Bohr's model of atom. ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बीच में मैंने आपको बताया था दैट दीज टू इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज दैट हैपेंड, डी ब्रॉगलीज का हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, विच कंप्लीटली चेंज आवर पर्सपेक्टिव ऑफ यू नो व्हाट द मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुड बी. ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अब हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस तरीके से समझेंगे. सो द वे इन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो आप ऑब्जर्व करना दैट स्टार्टिंग में आई विल टॉक अबाउट द दिस थिंग. I will talk about the statement, what it is there in Heisenberg's uncertainty principle. Then उस statement का meaning क्या रहेगा उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको. ठीक है, and then उसका mathematical interpretation क्या रहेगा. ठीक है, derivation is something that again we are not going to get into the details of that derivation क्या रहेगा, but हाँ I would be able to talk about and you can say real world example that will help you understand what Heisenberg's uncertainty principle means. Okay, now let's first talk about the statement. Okay, just give me 1 minute. I will screen share ko change karna padega. Just 1 second guys. हाँ, one note, right, all right. So let's talk about Heisenberg's uncertainty principle with the statement first. ध्यान से देखना, काफी crucial इसका impact रहेगा. Mathematically या question wise इतना important नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बट इसका इंप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है. सो ध्यान से नोटिस करना, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम of a particle simultaneously. ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका. एग्जैक्ट पोजिशन, एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते. नाउ at the first look of it you might say that what rubbish, hum logo ne itni physics padhi hai, itni detailed analysis kari hai ki hame ye cheez to kabhi encounter nahi hui. Matlab jaise for example aap logo ne physics mein padha hoga ki you know we have a say tennis ball, yahan par x equal to 0 t time equal to 0 par hai और इसका मैंने आपको स्पीड दे दिया दैट 1 meter per second है एंड मैं पूछूंगा टाइम 2 second पर. ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होगी, तो आप आंसर करोगे x is equal to 2 meter इसकी पोजीशन हो जाएगी एंड इसका जो स्पीड रहेगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो इसका स्पीड 1 meter per second ही रहेगा. तो मुझे तो एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ये तो सब पता ही है. मतलब ये क्या आपने नया कुछ बोला, मतलब आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स.
Now, the thing is that in the macroscopic world, okay, in the real world, in the larger scale world that is around us, Heisenberg's uncertainty principle, though applicable, is not significant. जैसे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था दैट इट इज समथिंग विच इज ट्रू इट इज समथिंग विच इज ट्रू यू नो एट ऑल स्केल्स स्मॉल स्केल लार्ज स्केल बट उसका सिग्निफिकेंस स्मॉल स्केल पर ऑब्जर्व होता है लार्ज स्केल पर उसका सिग्निफिकेंस इज समथिंग That is not observed. ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर आप नोटिस करना Heisenberg's uncertainty principle will also play a very important role at small scale. ठीक है अब किस तरीके से वो रोल रहेगा थोड़ा सा पेशेंस रखो I will help you understand it in a while. Now mathematically पहले देख लेते हैं Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है इसको मैं शॉर्ट में बार बार HUP बोलूंगा बार बार इतना लंबा बोलने में टाइम लग जाता है तो द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इज इन द फॉलोइंग मैनर दैट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई ठीक है या फिर एच क्रॉस बाय टू एच क्रॉस या ये एच बार क्या है दिस इज एच अपॉन टू पाई के बराबर है ठीक है तो यहां पर ऑब्जर्व करना व्हाट इट मीन्स डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी और एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजिशन डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ठीक है H stands for Planck's constant whereas this H bar this is something that has been adopted to reduce effort for the sake of convenience that H upon 2 pi बहुत जगह feature होता है इन क्वांटम मैकेनिक्स तो उसको ऐसे एच बार से सिंबल से रिप्रेजेंट करने लग जाता है ठीक है इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट नाउ अब इसको रीड कैसे करना है इसको रीड करने के लिए यहां पे आप ऑब्जर्वेशन देखना दैट व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज दैट द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजिशन and measurement of momentum are related to each other theek hai and unka product has to be greater than certain value agar aap kisi object ka position measure karna cha rahe hain aur uska momentum measure karna cha rahe hain simultaneously theek hai x is the position p is the momentum then position measure karne mein jo error aayega delta x ya momentum measure karne mein jo error aayega delta p their uncertainty or their error are related to each other and they are related in this manner that their product is greater than a certain value so if theek hai yahan par iska meaning dekhna theek hai iska let me put in simplified understanding that if delta x increases yeah if delta x decreases theek hai then because the product has to be more than a particular value so delta p badh jayega theek hai so what it means is isko english mein hum log kaise read karenge if we try to measure the position accurately theek hai if we try to measure
पोजिशन एक्यूरेटली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स कम कर रहे हैं, है ना, अनसर्टेनिटी या एरर कम कर रहे हैं. इफ यू ट्राई टू मेजर द पोजिशन एक्यूरेटली देन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम बिकम्स इनएक्यूरेट. वाई? बिकॉज बाय दिस रिलेशनशिप अगर आप डेल्टा एक्स को कम करोगे तो डेल्टा बी बढ़ जाएगा, सच दैट दे ऑलवेज फॉलो दिस रिलेशनशिप दैट देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, थोड़ी देर वेट करो, वी विल टॉक अबाउट इट. बट पहले एक बार स्टेटमेंट समझ लो. ठीक है, स्टेटमेंट इज दैट यू कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली. वाई? बिकॉज मैथमेटिकली दिस केम आउट एज अ रिजल्ट ऑफ एन एनालिसिस विच हाइजेनबर्ग डिड, that the uncertainty in position or the uncertainty in momentum, they are related as per this equation. ठीक है, now यहां पर before I talk about the example, before I talk about the visualization of this, ठीक है, there are certain important points that you must be aware about Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, एक एक करके उन पॉइंट्स को भी मैं कवर करता हूं. जैसे पहला पॉइंट रहेगा that Heisenberg's uncertainty principle is applicable at all scales. ठीक है, be it microscopic और मैक्रोस्कोपिक. ठीक है, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल सब पर एप्लीकेबल है ये. ठीक है, बट इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है, एचयूपी बिकम्स सिग्निफिकेंट एट स्मॉल स्केल ओनली. ठीक है, लार्ज स्केल पर ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि एक टेनिस बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल के मोमेंटम में मुझे 0.1 kg/m² की अनसर्टेनिटी है. ठीक है, मैं उसकी स्पीड में, मतलब मान लो उसकी स्पीड इज 10 m/s, बट जो मेरा मेजरमेंट आया उसमें इट कुड हैव बीन नॉट 10 बट से 11. ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम से इज डेल्टा पी. ठीक है, तो डेल्टा एक्स में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी हो सकती है. ठीक है, तो ये एच का वैल्यू कैसा होता है, 10^-34 के ऑर्डर का, है ना. तो इफ यू डू द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एक्स दैट वो 10^-34 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो वैल्यू इतना छोटा है 10^-34 एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द टेनिस बॉल इटसेल्फ दैट इट इज ऑफ नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है ना, मतलब एक टेनिस बॉल है वो, मतलब पोजिशन x इज इक्वल टू 1 cm पर है या फिर 1.00000 आई गो ऑन टिल 30 zeros एंड से उतने सेंटीमीटर पर है, तो वो मेरे लिए प्रैक्टिकली इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा लार्ज स्केल पर. बट स्मॉल स्केल पर इट बिकम्स सिग्निफिकेंट. ठीक है, नाउ ऑल्सो यहां पर नोटिस करना, आई एम मेकिंग अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अभी के लिए शायद नहीं समझ में आएगा, बट आई विल ट्राई टू यू नो शो यू अ वीडियो टू हेल्प अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. यहां पर ऑब्जर्व करना, ये जो अनसर्टेनिटी या एरर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, द अनसर्टेनिटी और एरर described in
एचयूपी, ठीक है, विल स्टिल बी देयर इवन इफ वी हैव द मोस्ट परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट का या मेजरमेंट टेक्निक का फ्लॉ नहीं है. द अनसर्टेनिटी और एरर डिस्क्राइब्ड इन एचओपी विल स्टिल बी देयर इफ इवन इफ वी हैव द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट एंड देयर इज नो मैनुअल और ह्यूमन एरर. ठीक है, दिस अनसर्टेनिटी will still be there. It is something which is an inherent property of dual nature of matter. Okay, this is something which does not come because of any instrument ya usse associated problem. Okay, so that is something which we should be very much clear with. That this uncertainty or error will still be present even if we have the best measurement techniques. Now, एक और point जस्ट मैं इसके साथ बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर नोटिस करना that ये जो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी हमने यूज करे हैं इन द स्टेटमेंट in the above statement must be along the same direction. Vector quantities hoti hai na ye. So maan lo x axis ke along ki position hai to jo momentum hai wo bhi x axis ke along ka hi hoga. Unke beech mein hi ye uncertainty रिलेट करी जाएंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन अलोंग से एक्स एक्सिस, ठीक है, देन डेल्टा पी जो रहेगा दैट विल बी द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, सेम डायरेक्शन के अलोंग ही होने चाहिए. अगर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन अलोंग वाई एक्सिस देन डेल्टा पी विल बी द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन और इन द मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस. चाहिए तो वाई एक्सिस लिख लो, जेड एक्सिस लिख लो, बट देन मोमेंटम का अनसर्टेनिटी भी उसी एक्सिस के अलोंग होगा. ठीक है, नाउ अब डेफिनेटली इस टाइम पर आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, मतलब हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा दैट व्हाट इज दिस अनसर्टेनिटी, व्हाट इज दिस एरर दैट इज देयर. सो इन ऑर्डर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है, लेट मी फर्स्ट गिव यू अ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन of Heisenberg's uncertainty principle in real life. ठीक है, and it's a very eye-opening kind of an experiment. अगर आप लोगों ने देख रखा है पहले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो it will be really something which is non-intuitive. ठीक है, that is the word that is used by the scientist who has performed this experiment. Give me one minute, I'll share the link with you. ठीक है, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, सो कहां गया चैट ऑप्शन, आई एम शेयरिंग दिस ऑन द चैट फॉर एवरीवन. ठीक है, 3-4 मिनट का वीडियो आई थिंक, 3-4 मिनट भी नहीं है, हाँ 2 मिनट का ही है. ठीक है, so you click on the link and watch the video patiently, देखना एक बार,
and then let's talk about it again. हाँ साक्षी बोलो। अच्छा जिन स्टूडेंट्स का यूट्यूब ब्लॉक्ड है लेट मी रीशेयर द स्क्रीन एंड आप लोग इधर देखो बट आपको फिर लैग आएगा। Heisenberg's principle indeed is very, very non-intuitive. And I make here an opening. Heisenberg's principle indeed is very, very non-intuitive. Frankly speaking, I'd call it bizarre. But you can see it at work. Suppose I have a laser beam here, and I use laser beam because that's right, but I could use any other light for that matter. And I make here an opening, a slit, a vertical slit. And here goes the laser beam right through the slit. Light goes on, light goes on. And here I project this onto this wall, screen, projection screen. And what do I see? Well, you see exactly what you predict. You see here this laser spot from this beam. But now, I'm going to make this vertical slit narrower and narrower and narrower. What now are you going to see? Well, you're going to see exactly what you predict. You're going to cut off the edges of the circle, and the spot gets narrower and narrower and narrower. But now you come to the point that this narrow slit, say, is only 1/100 of an inch wide. And now Heisenberg's principle comes in. Because now you know so precisely in the horizontal direction where the light is, that as it emerges from this slit, the direction of the light is no longer determined according to Heisenberg's principle. And so now what you're going to see, it's going to spread out in the horizontal plane, and therefore what you're going to see on this projection screen is going to get wider. Extremely non-intuitive. Because what am I doing? I'm making the slit narrower and narrower and narrower and narrower. And what do you see ultimately? That the beam horizontally becomes wider and wider and wider and wider and wider and wider and wider. Now that is very non-intuitive, but it's the way the world works. All right. देखा आप लोगों ने? Right. So कैसा है experiment? If everyone has seen the video. Now you can come back here, okay, and I'll try to explain it in a more detailed manner. यहाँ पर this video that you have seen is actually a demonstration of Heisenberg's uncertainty principle in real life. So what has happened? As part of this video, यहाँ पर notice करना that there was this laser which was throwing off a beam,
ठीक है, एंड दिस बीम वॉज मेड टू पास थ्रू अ स्क्रीन. ठीक है, यहां पर ये जो स्क्रीन था इसमें देयर वॉज अ स्लिट. ठीक है, दिस स्लिट वॉज समथिंग दैट कुड बी ब्रॉडन्ड और यू नो श्रंक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इन दिस डायरेक्शन दिस स्लिट कुड हैव बीन मेड ब्रॉडर और स्मॉलर. ठीक है, नाउ आफ्टर पासिंग थ्रू दिस स्लिट दिस बीम वॉज प्रोजेक्टेड ऑन अनदर स्क्रीन से स्क्रीन टू. ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में कैसा दिखेगा, यू विल सी अ सर्कल करस्पॉन्डिंग टू द लेजर दैट वॉज कमिंग आउट एज इट वॉज पासिंग थ्रू द स्क्रीन. एंड नाउ वॉट ही डज इज दैट ही ट्राइज टू श्रिंक दिस स्लिट एंड एज अ रिजल्ट वॉट यू विल सी इज दैट ये जो सर्कल होगा. ठीक है, ये सर्कल मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ये सर्कल के एजेस कट ऑफ हो जाएंगे. ठीक है, इफ यू हैव द स्लिट श्रिंकिंग एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग द मोर यू कट द और श्रिंक द स्लिट द स्मॉलर दिस प्रोजेक्शन विल बिकम. ठीक है, बट देन वॉट he is saying is that something very non-intuitive happens if you shrink the slit beyond a certain limit. What you find is that now further shrinking of the slit results in widening of this beam in the horizontal direction. तो आप slit छोटा कर रहे हो but उसका projection फैलता जा रहा है. सो दिस इज समथिंग विच इज अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाउ, यहां पर ऑब्जर्व करना, एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई. ठीक है, आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे दैट by reducing the slit ka dimensions what we are trying to do is we are trying to measure the exact position of the photons. theek hai, light kya hai, ya photons hai na, ye photons aa rahe hain yahan par, to hum log ye slit ko jab close kar rahe hain to hum log horizontal direction mein, theek hai, is direction mein hum log uncertainty in position ko decrease kar rahe hain because the narrower the slit is the exact determination of its position would be. ठीक है, ऐसा करने से क्या हो रहा है, जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो बढ़ रहा है. ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैसे बढ़ रहा है, यहां पर आप ऑब्जर्व करना. अभी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एक्चुअली मैनिफेस्ट्स इन इट्स डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि फोटॉन्स जो है, फोटॉन्स का स्पीड जो रहता है, स्पीड ऑफ फोटॉन्स इज द स्पीड ऑफ लाइट ओनली, दैट स्पीड दैट डज नॉट चेंज. द अनसर्टेनिटी दैट कम्स इन इज इन द डायरेक्शन. अर्लियर द फोटॉन्स वर सपोज टू गो स्ट्रेट, दैट इज व्हाट देयर डायरेक्शन वॉज. ठीक है, बट नाउ in this horizontal direction, in this direction that you have reduced the error in the position, to ab ye photons ka direction uncertain ho jayega. Ab instead of going straight they might go a little to left or a little to right, and as a result what you see is that the projection instead of becoming smaller it kind of expands in this direction.
समझ में आया? सो दिस इज Heisenberg's uncertainty principle in front of you in real life. Now, definitely after this, also a question comes in mind that why is it happening? Matlab, what is it that is happening that I'm trying to determine the exact position, and as a result, the momentum is changing, or the momentum is becoming uncertain. The direction of the particle is becoming uncertain. The answer lies in the dual nature of matter. The thing is that if you think of it as particles, then it is something which is not something that you are able to comprehend completely. But if you have a wave, if you have a wave nature, then it kind of makes sense. जैसे for example, मान लो ऐसे बड़ा सा water wave आ रहा है and आप उसको एक छोटे से hole के through pass होने दो, तो उसके बाद क्या होता है, वापस से water wave एक नए wave की तरह generate होके आ जाता है ना. मतलब despite the size of this hole being very small as compared to the size of the wave is able to pass through this hole and come out as a new wave. Like this slit, this hole becomes like a new source of wave. So, उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है that this wave nature or the dual nature, I should say, is the fundamental reason what explains that is happening in real life. ठीक है? तो ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको हेल्प करता है टू गेट सम पर्सपेक्टिव इनटू व्हाट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज. ठीक है, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन रियल लाइफ. ठीक है, व्हाट यू विल नॉट बी एबल टू स्टिल ग्रास्प इज द डेरिवेशन. ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प कि ये आया कहां से, मतलब हाउ कम, मतलब where was this derived from? So उसके पीछे का जो maths है, that is something which is definitely not part of our syllabus. ठीक है, इसके पीछे काफी significant mathematical approach जाता है. हमारे लिए क्या क्या चीजें important है? एक तो statement that according to Heisenberg's uncertainty principle, when we talk about things at small scale, ठीक है, this becomes significant that you can't determine exact position and exact momentum of a particle simultaneously. Okay, how to read this mathematically? The uncertainty in position, the uncertainty in momentum are related to each other in the following manner, that delta x dot delta p is greater than equal to h upon 4 pi. Okay, so agar aap ek को कम करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. तो इफ यू ट्राई टू मेजर द पोजिशन एक्यूरेटली, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल इंक्रीज. और इफ यू ट्राई टू डू द अदर वे राउंड, देन द अदर पैरामीटर, उसका अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा. ठीक है, दिस इज द सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग. एंड टू एड ऑन टू इट, यहाँ पर दो तीन चीजें और नोटिस करना, दैट दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट और एनी यू नो ह्यूमन एरर. दिस इज इनहेरेंट टू द नेचर. दिस इज बिकॉज ऑफ, एज आई सेड, डुअल नेचर ऑफ मैटर. दिस इज नॉट समथिंग विच इज इनहेरेंट और बिकॉज ऑफ एनी ह्यूमन एरर. राइट, सो दिस वॉज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. नाउ समटाइम्स यू हैव a slight different version of it in front of you. So yahan par notice karna that delta p is equal to delta mv. Okay, momentum is m into v and can be written as m into delta v, which means that another way of writing Heisenberg's uncertainty principle is delta x dot m delta v is greater than h upon 4 pi. ठीक है, where m is the mass of particle
ठीक है, एंड डेल्टा वी इज द एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द सेम स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू जो हम लोगों ने पहले करा था, दैट हम लोग जिस डायरेक्शन में पोजीशन मेजर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी मेजर हो रही होगी। ठीक है, सो दिस इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग फॉर अस। यहां तक का पार्ट क्लियर है आपको? ठीक है, इसमें कोई डाउट? अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूं, बट बिफोर गेटिंग इनटू एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेट मी आल्सो कवर इट्स इम्प्लीकेशन। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट एज इट विल पेव द पाथ फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट। यहां पर ऑब्जर्व करना, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन क्या है हमारे लिए। सो बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, वन ऑफ द प्रोफाउंड वंस फॉर अस इज दैट एचयूपी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कार्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट और अ वेल डिफाइंड path of an electron around the nucleus. Now we cannot talk about orbit anymore. Why? Because notice karna, if I say that this is the orbit or this is the path of the electron, okay, then I am actually violating Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, किस तरीके से आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, दैट हाउ द Heisenberg's uncertainty principle gets violated if we talk about a well-defined path. So when I say I have a well-defined path, that means at a given point in time, I know its current position. ठीक है, एंड क्योंकि मुझे पाथ पता है तो मुझे उसका नेक्स्ट पोजिशन भी पता है ना। अब अगर मुझे नेक्स्ट पोजिशन भी पता है तो इसका मतलब मुझे उसका डायरेक्शन भी पता है। इनिशियल पोजिशन पता है, नेक्स्ट पोजिशन पता है, तो डायरेक्शन भी पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट आई नो द पोजिशन एज वेल एज मोमेंटम साइमल्टेनियसली, विच इज वॉट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जैक्टली prohibits. It does not allow you to determine the exact position and exact momentum simultaneously. ये समझ में आया? दोबारा मैं एक बार explain करता हूँ, that if I know the exact, see अगर मुझे path पता है, मुझे एक वेल डिफाइंड पाथ पता है इलेक्ट्रॉन का, दैट दिस इज अ सर्कुलर ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट आई कैन से दैट दिस इज इट्स पोजिशन एट दिस पर्टिकुलर टाइम एंड दिस विल बी इट्स नेक्स्ट पोजिशन, दैट मीन्स आई वुड नो द डायरेक्शन, दैट मीन्स आई विल नो द मोमेंटम ऑल्सो, सो आई वुड नो द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, विच इज वॉट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रोहिबिट्स। सो नाउ we cannot talk about the path of an electron around the nucleus. ठीक है, thus we will not be able
टू विजुअलाइज, ठीक है, और डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पाथ. Of an electron around nucleus. हम उसका motion describe ही नहीं कर पाएंगे. All we can say is now in terms of probability. ठीक है, what we can now say यहां पर observe करना, thus a new concept of probability is introduced to understand the location of electron around nucleus. Okay, we will not be able to pinpoint the exact location, the exact path that is followed. But what we will be able to say that okay, nucleus hai, nucleus ke around maybe in certain region electron is likely to be found, and such regions, ठीक है, जहां पे probability high है, ठीक है, यहां पर ध्यान से observe करना, such regions where the probability of finding electron is high are going to be called as orbitals. ठीक है, तो हम लोग अब orbits का concept discard कर रहे हैं और हम लोग orbitals का concept introduce कर रहे हैं. ठीक है, now अच्छा, अब ये नमन बहुत देर से क्या डाउट पूछ रहे हो तुम, इज इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? नहीं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला प्रिंसिपल वाज इंटरफेरेंस. ठीक है, इनफैक्ट ये जो यहां पर मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में वीडियो दिखाया था, दैट वेव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन. ठीक है, तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज वॉट is what I have shown as that experiment, the property of diffraction. ठीक है, not interference. Young's double slit experiment में interference था. ठीक है, हाँ, so yes, Sarvesh, this means that Bohr's theory is not discarded. Bohr's theory, you can say, is considered incomplete. ठीक है, in fact, ऐसा नहीं है कि Bohr का theory एकदम ही गड़बड़ था. ठीक है, in fact, जब हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम लोग बाद में रिजल्ट देखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, दैट एट 0.529 एंगस्ट्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी मैक्सिमम. द प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी मैक्सिमम एट 0.529 एंगस्ट्रॉम, व्हिच इज व्हाट बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज. सो ऐसा नहीं है कि बोर मॉडल के रिजल्ट were absolutely incorrect or something which we can discard. ठीक है, it was something which was